नष्टः परन्तपः एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालेन इह महता योगो नष्टः परन्तपः। कोई रिसाइट करेंगे इसको? एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालेन इह महता योगो नष्ट परन्तपः। कोई और? एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालेन इह महता योगो नष्टः परन्तपः। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालेन इह महता योगो नष्टः परन्तपः। और कोई? एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालेन इह महता योगो नष्टः परन्तपः। और कोई? एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालेन इह महता योगो नष्टः परन्तपः। कोई और? ठीक है, तो ये जो श्लोक है, श्लोक बेसिकली परंपरा की वैल्यू को दिखा रहा है। श्लोक का जो अर्थ है वो यहाँ बोर्ड पे लिखा है, जो अर्थ आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। यहाँ पे लिखा है लुप्त हो गया लगता है, मतलब ऐसा लग रहा है लुप्त हो गया है। तो इसमें जो तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, वैसा बताते हैं कि कौन से, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, कौन से परम विज्ञान की बात कर रहे हैं? भगवद गीता ज्ञान की बात कर रहे हैं ना। तो ऐसा बता रहे हैं प्रभुपाद परपट में कि जो गीता का जो संदेश है, पहले क्या होता था, राजा महाराजा इसी के हिसाब से जो है शासन करते थे। इसमें एक वर्ड आया है राजर्षि, है ना, वर्ड सुनने में भी बहुत अलग लग रहा है, राजर्षि मतलब वो राजा भी है और ऋषि भी है, दोनों साथ साथ, हाँ, जैसे राजा जनक, मतलब वो राजा भी है और ऋषि भी है, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन लगता है सुनने में, राजा भी और ऋषि भी। पर अभी हम अभी प्रेजेंट कंडीशन में हमें एक दो एग्जांपल ऐसे हमने भी देखे हैं जो कि राजा भी है और एक हद तक स्पिरिचुअली भी काफ़ी वो पावरफुल है, मतलब वो कहीं के चीफ मिनिस्टर, कहीं के प्राइम मिनिस्टर है, बट दे आर स्पिरिचुअली ऑल्सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअली भी, तो इसलिए उनको राजर्षि कहते हैं। तो मतलब पहले ऋषि, ऋषि कहने का मतलब तपस्या में निपुण थे और फिर शासन कर रहे थे। अगर ऐसा व्यक्ति शासन करेगा तभी शासन सही तरीके से चल सकता है। ऐसा बताते हैं जिस देश के राजा महलों में सोते हैं वहाँ के प्रजा सड़कों पर सोती है, और जिस देश के राजा जो है वो मतलब अपनी मतलब सिंपल कुटिया में रहते हैं वहाँ की जो प्रजा है वो आलिशान भवन में रहती है। तो अगर राजा अपने ऐशो आराम से जिएंगे तो प्रजा कैसे रहेगी? प्रजा बिल्कुल जो है वो दयनीय स्थिति में रहेगी, जैसा कि अभी देखा जा रहा है। जैसे हम अलग अलग तरीके से कंडीशन से देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम ट्रेन को ही ले लेते हैं, तो ट्रेन में हम देखते हैं कि अगर कोई, जब चीफ मिनिस्टर आने वाला होता है या फिर कुछ ऐसे कोई बड़े नेता होते हैं तो उनके लिए स्पेशल लग्जरी बोगी होती है, लग्जरी कोच होता है, उसमें स्पेशल सीट अवेलेबल होती है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जो सामान्य लोग होते हैं वो जनरल कोच में या स्लीपर कोच में बिल्कुल एकदम भेड़ बकरियों की तरह मतलब ढकेल दिए जाते हैं।
और वो किसी तरह से बिल्कुल दयनीय हालत में यात्रा कर रहे होते हैं। अभी सर्दियों के मौसम में खास करके देखेंगे, इतना बुरा हाल होता है ट्रेन के अंदर लोगों का, मतलब इसको देख के लगता है ऐसा। और ऐसा नहीं सारे गरीब लोग हैं उसमें, उसमें ऐसे लोग भी हैं जो कि अच्छा धन कमाते हैं, है ना, और ऐसे लोग भी हैं जो जिनकी अच्छी क्लास, अच्छी फैमिली, अच्छे एजुकेशन में है, फिर भी वो मजबूर हैं इस तरह से सफ़र करने को। तो बताते हैं अगर राजा जो है वो राजर्षि होगा तभी वो क्या कर सकता है, प्रजा का सही रूप से संचालन कर सकता है। जैसे हम देखते हैं कि अदालत में क्या होता है, गीता पे हाथ रख के कसम खिलवाई जाती है। क्या कसम दिलाई जाती है? मैं जो भी कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अब वो सच तो तब बोलेगा जब वो गीता पढ़ेगा, मतलब गीता पे हाथ रखवा के कसम तो दिलवाई जाती है पर गीता नहीं पढ़वाई जाती उससे। अगर उसे गीता पढ़वाई जाए तो कभी क्राइम ही नहीं करेगा वो फिर। तो ऐसे ही क्या होता था, एक बार एक पास्टर बता दें कि एक व्यक्ति शेयर कर रहे थे कि क्या था, मेरे घर में जो है 50 साल से गीता रखी हुई है। बोला अच्छा क्या करते हो आप उसका? तो मेरे दादाजी थे वो रोज़ दफ्तर जाते थे, उसको प्रणाम करके जाते थे। फिर मेरे पिताजी आए वो भी रोज़ प्रणाम करते थे, उसके बाद दफ्तर जाते थे। तो फिर आप क्या करते हो? मैं भी उसको रोज़ सुबह उठता हूँ, प्रणाम करता हूँ, फिर उसके बाद दफ्तर जाता हूँ। तो कहते हैं प्रणाम सब लोग करेंगे, पढ़ेगा कोई नहीं क्या? तो ऐसे ही हालत है ना, कोने में कहीं पड़ी हुई गीता होती है घर में लिपटी हुई अच्छे से कवर में, उस पर भी धूल जमी होती है। और कभी कभी किसी कोई श्लोक पाठ कर लिया किसी एक दिन तो गनीमत है, नहीं तो फिर उसका कोई मतलब कोई उससे जुड़ा भी नहीं है अदरवाइज। तो गीता पे हाथ रखवा कसम खिलवाई जाती है लेकिन गीता पढ़वाई नहीं जाती। अगर पढ़वाई जाए गीता तो लोगों को क्लियर हो जाए, क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि क्राइम करना और ये सिविलियंस की तरह रहना कैसे, मतलब कैसे बैलेंस कर सकते हैं, किस तरह सोसाइटी में रह सकते हैं। जैसे हम इसमें अगर राजर्षि का एग्जाम्पल लें तो बहुत सारे राजर्षियों का एग्जाम्पल आता है अलग अलग युगों में। जैसे सतयुग में राजर्षि का एग्जाम्पल आता है पृथ्वी महाराज, प्रियव्रत महाराज। तो जैसे पृथ्वी महाराज है वो कौन है? वह स्वयं भगवान के शासन शक्ति के अवतार हैं। ऐसा हुआ था, पृथ्वी महाराज से पहले एक राजा थे जिनका नाम था वेण। तो जो वेण राजा थे वो बहुत ही दुराचारी राजा थे, इतने ज़्यादा दुराचारी थे कि वो बचपन में खेल खेल में किसी बच्चे को मार देते थे ऐसे ही, किसी को पानी में डुबो दिया, किसी की गर्दन काट दिया ना, तो इसलिए सब बच्चे डरते थे उनसे। और क्या होता था, इसलिए जब वो राजा बने तो शुरू में क्या हुआ, सारे चोर उचक्के सब छिप गए ना, उन्हें लगा है तो ऐसा राजा है किसी को जिंदा ही नहीं छोड़ता है। तो लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे उसका अत्याचार बढ़ना शुरू हो गया। वो राजा बहुत ही ज़्यादा नास्तिक था, उन्हें सारे विधि विधानों को बंद करा दिया, सारे यज्ञ हवन बंद करा दिए। उसने बोला सारे यज्ञ का भोक्ता मैं हूँ, सारे यज्ञ का भोक्ता मैं हूँ, जो है जो भी करना है वो मेरी प्रसन्नता के लिए करना है। तो ऐसा ही हम देखते हैं कि जैसे अभी जो सरकार के पास जो मेन जो भी किसी चीज़ के लिए अगर प्रोपोगेंडा होता है, कोई भी प्रपोजल होता है, बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए होता है, मतलब अर्थव्यवस्था देश की सुधरनी चाहिए, इस चीज़ पर ध्यान बहुत ज़्यादा होता है। देश की अर्थव्यवस्था ये अपने आप में बहुत ही कन्फ्यूजिंग वर्ड है, मतलब देश की अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है कि जो सरकारी खजाना है वो भरा रहना चाहिए भले लोगों को कितना ही परेशान करो। तो अब जैसे देखते हैं, जैसे ट्रेन का एग्जांपल मैं ले रहा था, कोई स्लीपर कोच है, स्लीपर कोच में 72 to 100 सीट्स होती है लगभग। अगर उसमें उन्होंने 200 लोगों को सीट दे दी, कई लोगों को वेटिंग सीट दे दी, तो जो बचे हुए लोग हैं उनकी सीट्स का पैसा कहाँ गया? गवर्नमेंट के ट्रेजरी में गया। वैसे ही हम देखते हैं इतने सारे टैक्स लगाए जाते हैं, उनका पैसा किसके ट्रेजरी में जा रहा है? गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जा रहा है। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो वर्ड है ये अपने आप में बहुत डेंजरस वर्ड है, ये हमारे लिए जो कॉमन लोगों के लिए ये वर्ड जो है एक तरह से बहुत टॉर्चर करने के लिए है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने से क्या होगा, लोगों का शोषण होगा, और ज़्यादा शोषण होगा। जय श्री श्री राधा राधिकरण भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री गौर निताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, सर्व शालिग्राम शिला की, शिला प्रभुपाद की। तो एक्चुअल में इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं, एजुकेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे कि आप देखिए कि कई सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कई सारे नियम लगाए जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने मान लो कई फैसिलिटी दी है लोगों को, जैसे हम टिकट कराने जाते हैं रिजर्वेशन काउंटर पे,
तो रिजर्वेशन की फैसिलिटी दी है ताकि आप अच्छी सीट पे जा सकते हो। तो कई लोग आप ऐसे देखोगे जो लाइन में लगे होते हैं तो, और जब पहुंचते हैं काउंटर के पास तो सीधा काउंटर वाले से पूछते हैं मुझे टिकट चाहिए। अब उन्हें ये नहीं पता कि फॉर्म भरना होता है, कुछ और भी करना होता है, तो टिकट काउंटर वाला उनके फॉर्म पकड़ा देता है। अब वो पढ़े लिखे हैं नहीं, उन्हें समझ नहीं आता ना फॉर्म, इतना बड़ा फॉर्म देख करके, वैसे उसमें आधी चीज़ें तो बेकार भी लिखी होती है। तो इधर उधर पलटता देखता रहता है क्या करना क्या इसका, फिर वो किसी से रिक्वेस्ट करता है कि कोई फॉर्म भर दो मेरा ना। फिर बड़ी मुश्किल से लोग उसकी बात समझ पाते हैं कौन सी ट्रेन में जाना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है, और फिर किसी तरह से उसका फॉर्म फिल होता है। फिर वो फिर दोबारा पहुँचता है तो पता चला उसमें तो सीट ही नहीं थी उस ट्रेन में जिसमें उसने फॉर्म भरा है। तो मतलब सो कॉल्ड फैसिलिटी जो लोगों को दी जा रही है उनको सुविधा देने के लिए, वो भी उनके लिए एक तरह से टॉर्चर है। इवन एक ऐसे नेता हुए थे जो ऐसा बता रहे थे मैं सारे गांव में क्या करूंगा, लैपटॉप बांटूंगा सबको। तो अच्छा, लैपटॉप से क्या करेंगे बच्चे जिनको पेन से लिखना नहीं आता, लैपटॉप का क्या करेंगे वो? तो वो जो लैपटॉप मिलना था जिन बच्चों को लैपटॉप उनको मिला, तो पेरेंट्स ने क्या किया, उनके लैपटॉप लिया, उस लैपटॉप को मार्केट में बेच के आ गए, जो पैसा मिला सोचे इसे घर चला लेते हैं, इन लैपटॉप का तो हम ऐसे भी कुछ नहीं कर सकते, चलाना तो आता नहीं है, है ना। तो मतलब ये सो कॉल्ड जो फैसिलिटी है, जो देखने में फैसिलिटी लगती है, वो फैसिलिटी है ही नहीं, क्या यूज़ करेंगे इसका। जैसे कि रिसेंटली कई बार नोट, ऐसे ऐसे नोट आते हैं जिसमें इतने सारे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं जिससे पहचाना जाए नोट नकली नहीं असली है। अब उसमें जो ऐसी चीज़ें हैं, अब कोई पहले तो वो न्यूज़ देखे तब तो उसे समझ में आएगी, वो भी समझ में भी उससे आएगी जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो ना? इतने सारे मार्क्स कौन देखेगा? अब किसी को 10 लाख रुपए गिनने हैं कैश में, वो कहाँ से गिनेगा ऐसे? वो एक एक नोट गिनता रहेगा, निकाल के देखता रहेगा कितने, इतना टाइम किसके पास है। और किसी लेबर क्लास के व्यक्ति को अगर मान लो ऐसा नकली नोट मिल गया तो कैसे पहचानेगा नोट नकली है? उसका तो पूरा, उसकी तो उतनी ज़्यादा सैलरी होती होगी जितना नोट होगा वो। तो जो सो कॉल्ड फैसिलिटी भी है, मतलब इसमें कोई कनेक्शन नहीं है कि लोगों को क्या चीज़ लोग जो है यूज़ कर पाएंगे, है ना, और हम क्या दे रहे हैं उनको, है ना। हो सकता है वो उनके अल्टीमेट बेनिफिट के लिए हो, लेकिन वो बेनिफिट उनको मिलेगा भी कि नहीं, उन्हें समझ ही नहीं उस बेनिफिट की, कैसे मिल सकता है। तो इसलिए जो राजा है वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि वो ये नहीं जानते अलग अलग गुण के प्रभाव से लोगों का स्वभाव कैसे अलग अलग तरीके का होता है। जैसे कि हम भगवद गीता में पढ़ते हैं कुछ लोग तमोगुणी होते हैं, कुछ लोग राजसिक होते हैं, कुछ लोग सतोगुणी होते हैं, और हर तरह के लोगों की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल अलग अलग होती है, हर तरह के लोगों की सोच बिल्कुल अलग अलग होती है। तो इस तरह से पहले के जो राजा होते थे वो क्या करते थे, अलग अलग तरह के लोग से अलग अलग तरीके से डील करते थे। जैसे सोसाइटी का जो सबसे अपर क्लास माना जाता था वो माना जाता है ब्राह्मणिकल क्लास, यानी इंटेलेक्चुअल क्लास, जो कि ज्ञानी होते हैं, मतलब शास्त्रों का ज्ञान होता है उनको, शास्त्र पढ़ सकते हैं, शास्त्र पढ़ा सकते हैं। तो अब इनको संतुष्ट करने का क्या तरीका है, कोई बता सकता है किसी ज्ञानी व्यक्ति को संतुष्ट करने का क्या तरीका है? किसी के मन में ऐसा कभी, मतलब किसी ने कुछ सोचा हो, अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति आपसे मिलते हैं तो उनको संतुष्ट, उनको सेटिस्फाई करने का क्या तरीका है? अच्छा, कोई और आंसर करके प्रश्न पूछ के? अच्छा, और कुछ? आप सबके आंसर काफ़ी पार्शियली तो काफ़ी हद तक सही है। तो बताते हैं यहाँ पे, आपको लगेगा कि ऐसा भी होता है क्या? तो जो ज्ञानी लोग होते हैं उनको संतुष्ट करने का क्या तरीका है? एक तरीका तो है उनसे हम प्रश्न पूछें। कैसे प्रश्न पूछें? रिलेवेंट प्रश्न पूछें। अब मान लो चर्चा चल रही है भगवद गीता की और प्रश्न पूछ रहे हैं कुछ ऐसा कि हमारे बेटे की शादी नहीं हो रही, अब ये बताओ कोई लड़का मिलेगा कहीं, मतलब प्रश्न कहीं और जा रहा है और जो है वो क्लास कहीं और चल रही है। या फिर लोग कहते हैं आशीर्वाद, आप तो बस आशीर्वाद दे दो ना, जो भी होगा देखा जाए, आशीर्वाद दे दो बस, इसका कुछ हो जाए ना, हमें तो बाकी क्लास तो इतनी समझ में नहीं आई, आशीर्वाद दे दो ना। समझ में नहीं आई या समझना नहीं चाह रहे हैं तो कह नहीं सकते। तो उनसे प्रश्न पूछें, और प्रश्न कैसे पूछें? जो रिलेवेंट हो, रिलेवेंट क्वेश्चन हो, और प्रश्न को पूछकर समझने की कोशिश करें ना। दूसरी चीज़ और कैसे इनको सेटिस्फाई कर सकते हैं, ऐसा बताते हैं भगवान कहते हैं
कि मैं जो है वो यज्ञ में आहुति डालने से मैं संतुष्ट नहीं होता। मैं संतुष्ट कैसे होता हूँ, जब ब्राह्मणों के मुख में घी से बना हुआ व्यंजन जब खिलाया जाता है ना, तो उससे मेरी संतुष्टि होती है। तो इसलिए ब्राह्मणों को संतुष्ट करने का ये एक उपाय और है ना? लेकिन अभी ये तरीका तो एक तरह से ऑप्शन फेल हो गया, क्योंकि प्योर घी तो अवेलेबल नहीं है ना। प्योर घी लाने के लिए शुद्ध देसी घी लिखा तो होता है, लेकिन जहाँ पर शुद्ध देसी घी लिखा है उसको तो कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, वो शुद्ध जहर है ना? ना? तो एक तरह से ऐसा सेटिस्फाई करना तो थोड़ा मुश्किल है। और फिर भी अब लोगों, कई लोगों को कुकिंग भी नहीं आती अब तो ना, कि अच्छा कोई आया तो कहीं ऑर्डर करके मंगाना पड़ेगा ना कुछ ऐसी चीज़। तो इस तरह से एक तरीका उनको ये सेटिस्फाई करने का है ना, और उनसे प्रश्न पूछ करके ना? दूसरा क्षत्रिय क्लास। तो जनरली हम लोग क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि भारत भूमि में हम सब का जन्म हुआ है, तो ज़्यादातर लोग स्पेशली जो एटलीस्ट जो इस क्लास में बैठे हैं या जो लोग गीता सुनना या गीता पढ़ना पसंद करते हैं, जिनको पढ़ने लिखने में रुचि है, वो क्या उम्मीद करते हैं कि जो बाकी लोगों से जिनसे मैं मिलता हूँ वो सब समझदार हो ना। वो ऐसा सोचते हैं कि बाकी लोग भी समझदार हो, और वो ऐसे लोगों से ही मिलना पसंद करते हैं, समझदार लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से, है ना। तो लेकिन अब देखो, अब दूसरी जो क्लास है वो क्षत्रिय क्लास है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमारे मिलिट्री ना? अब आप कभी मिलिट्री के, जैसे मिलिट्री से कभी, या फिर पुलिस ना, कभी आपका आमना सामना हुआ है कि किसी मिलिट्री के क्वार्टर में गए कभी मिलने के लिए ना? जैसे प्रभु जी ने मिलिट्री की जैकेट पहन रखी है इस टाइम और प्रभु जी ACP हैं पुलिस में, तो ऐसा कभी आमना सामना आप लोग का भी हुआ ही होगा। कभी आप देखोगे मिलिट्री वालों के आसपास कभी गुजरोगे तो कभी कभी आपको ना डाउट हो जाएगा, ये हमारे देश की रक्षा करते हैं, मतलब वो ऐसी ऐसी बातें करेंगे ना कि कोई आम व्यक्ति होगा ना चिढ़ जाएगा बिल्कुल उनकी बात से, है ना। मतलब कभी कभी तो बहुत गाली गलौज शुरू कर देंगे, कभी कभी एकदम मतलब एकदम हद से ज़्यादा एकदम ऊपर नीचे बातें करेंगे, तो लोग घबरा जाते हैं उनकी बातें सुन करके। और कभी कभी बिल्कुल रफ एंड टफ डीलिंग होती है ना, मतलब शुरू हो गए मारने पीटने पे तो शुरू हो गए बिल्कुल एकदम। तो बोलते हैं इस क्षत्रियों को सेटिस्फाई कैसे किया जा सकता है, कोई बता सकता है जो क्षत्रिय होते हैं वो कैसे सेटिस्फाई होते हैं, कैसे तारीफ करके? तारीफ करना तो एक तरीका है सिर्फ उनको खुश करने का, इम्प्रेस करने का, पर सेटिस्फाई यानी संतुष्ट करने की बात है यहाँ पे। देखो तारीफ करेंगे तो लोग 5-10 मिनट के लिए खुश हो सकते हैं ना, उसके बाद क्या होगा? हाँ नहीं, बात करना तो एक हद तक ठीक है, वो इतना कितना सुनेगा, वो आप कितना बोलोगे ना? हम इतना बात दिन भर कर भी नहीं सकते किसी से, है ना। हाँ जो क्षत्रिय है वो कैसे सेटिस्फाई होते हैं, वो फाइट से ना, उनको युद्ध चाहिए ना। तो इसलिए आप देखोगे कई लोग ऐसे होते हैं जो लड़ने के लिए एकदम बेकाबू होते हैं ना, उनको चाहिए कोई लड़ाई ना, ऐसे अगर लड़ाई नहीं मिलेगी तो अब पड़ोस वाले से लड़ाई कर लेंगे वो जबरदस्ती ना। जैसे मैंने ऐसे प्रैक्टिकली लोगों को देखा है, जब थोड़ी सी भी लड़ाई होगी ना तो बात जबरदस्ती बढ़ा देंगे ना, कि थोड़ी मारपीट हो, थोड़े सर पे डंडे लगे, बोलते हैं यार बिना जब तक सर पे डंडा नहीं लगे ना तब तक मुझे लगता नहीं कि लड़ाई हुई है, कुछ बात बनी है। तो ऐसे लोग होते हैं प्रैक्टिकली ना, कि लड़ाई झगड़ा पसंद है ना। तो अब ऐसे लोग अगर हमारे बीच में आएंगे या सिविलियंस के बीच में आएंगे तो उनको लगेगा यार कैसा आदमी है, लड़ता ही रहता दिन भर। पर एक्चुअल में जो उनका स्वभाव है ना, जो वो उनको इस तरफ डायरेक्ट कर रहा है, उस स्वभाव की वजह से मजबूर है ऐसा करने को। भगवान कहता है ना भगवद गीता में कि हर व्यक्ति अपने गुण और कर्म, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने के लिए मजबूर है, करेगा ही करेगा कर्म वो। अगर उसको ऐसे करने के लीगली करने को नहीं मिला तो इलीगली करेगा वो, गैरकानूनी तरीके से करेगा फिर वो कर्म वो, है ना। तो यह क्षत्रिय को सेटिस्फाई करने का तरीका, उनको दिन भर ये एंगेजमेंट चाहिए। अभी देखो कई बार मिलिट्री में सेना क्यों फ्रस्ट्रेट हो जाती है, क्यों फ्रस्ट्रेट होती है, इसकी वजह यह है कि उनको युद्ध करने की परमिशन नहीं मिलती, सारे हथियार चलाना सब कुछ सिखा दिया, इसलिए उनको एंगेज करने के लिए क्या करते हैं, जब बार बार प्रैक्टिस कराई जाती है, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, सुबह उठो परेड करो, उसके बाद जो है वो गोला बारूद चलाना सीखो, उसके बाद मार्च पास कराते हैं उनसे, उसके बाद ड्रिल कराते हैं उनसे, तो दिन भर उनका कुछ ना कुछ शेड्यूल होता है ऐसा, क्या कि वो लगे रहे ना, नहीं तो क्या होगा, तो फिर क्या करेंगे, बैठेंगे खाए पिएंगे सोएंगे, फिर इधर से उधर परेशान करेंगे लोगों को, है ना। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं जैसे वैश्या क्लास ना, वैश्या क्लास कैसे सेटिस्फाई होता है,
उसको एक ही चीज चाहिए हर चीज में, पैसा कहाँ से मिल सकता है ना? उसको वो देखेगा कहीं अगर किसी फेस्टिवल, एक बार ऐसे हुआ कि एक जो व्यक्ति है बहुत बड़े व्यापारी थे, कपड़ों के व्यापारी थे, तो काफ़ी समय से धन कमा रहे थे, तो एजड हो गए थे काफ़ी, 50 ईयर्स एज हो गई थी उनकी। तो एक व्यक्ति उनसे मिलने आए, कोई मतलब कोई साधु को उनके घर मिलने आए, तो बोले कि आपका तो बहुत उम्र हो गया है, 50 साल उम्र हो गई आपकी, अब तो छोड़ो ये सब है ना, अब तो संन्यास भी लेने का समय आ गया है, सब हमेशा घर में ही रहोगे। तो कहा अच्छा ऐसा है क्या, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहे कि चलो हमारे साथ, जो है मैं ले चलता हूँ जहाँ पे सत्संग होता है। तो ले गए वहाँ पे, तो उन्होंने देखा कि सत्संग हो रहा है, जो लोग जो है वो खूब सारे लोग आ रहे हैं और भगवान को अलग अलग चीज़ें भेंट कर रहे हैं, भगवान का दर्शन करने आ रहे हैं। तो अब उसके बाद जब वहाँ से वापस लौटे तो साधु पुरुष उनसे पूछते हैं, बताओ आपने क्या सीखा ये सब देख करके? तो कह रहे हैं कि मेरे को एक बात बहुत अच्छी समझ में आई, यहाँ पे यहाँ के लोग ना जो है ना जो भगवान को वस्त्र बहुत चढ़ाते हैं ना, तो मैं यहाँ पे कपड़ों का बिजनेस यहाँ बहुत अच्छा चलेगा, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कपड़ों का बिजनेस तो खोल ही लेता हूँ यहाँ पे एक। तो मतलब जो बिजनेसमैन व्यक्ति है बहुत डिफिकल्ट है उनके लिए उस चेतना से बाहर निकलना, वो कहीं भी जाएंगे तो वो उनका ध्यान रहेगा कि हाउ टू गेट मनी, पैसा कैसे मिल सकता है। इसलिए आप देखोगे जो करेंटली जो गवर्नमेंट है, क्योंकि बेसिकली जो पार्टी के टिकट्स होते हैं वो अलग अलग इंडस्ट्रियलिस्ट की वजह से मिलते हैं, कई सारे फंड्स की वजह से, इसलिए उनका भी एम क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि वैश्या कम्युनिटी ने, मर्चेंट कम्युनिटी ने उनको गवर्नमेंट में स्टैब्लिश किया है, इसलिए उनको संतुष्ट करने के लिए उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना पड़ेगा, बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे सकते वो, ठीक है। तो अभी देखते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि ब्राह्मणिकल कम्युनिटी जो है वो गवर्नमेंट चुनती थी, जैसे राजा महाराजा को कौन चुनता था, कोई ब्राह्मण, कोई एजुकेटेड व्यक्ति चुनता था, कोई विद्वान व्यक्ति चुनता था। तो क्या होता था पहले, जैसे मंदिरों में पहले दान आता था, तो मंदिरों में दान का सदुपयोग किया जाता था ब्राह्मणों के द्वारा, लेकिन अंग्रेजी शासक जब इंडिया में आए तो उन्होंने एक एक्ट पास कराया, उस एक्ट के तहत उन्होंने ऐसा कहा कि मंदिर के जो भी संपत्ति है वो वास्तव में सरकार की संपत्ति है। तो इसलिए क्या किया उन्होंने, मंदिर का सारा संपत्ति जो है वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में चला गया, तो सारे जो ब्राह्मण सड़क पे आ गए एक तरह से, अब वो क्या कर सकते हैं? तो इसलिए जो है वो उनके हाथ से पावर चली गई और उनका एजुकेशन सिस्टम भी जो है धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। तो ये तो था वैश्य को सेटिस्फाई करने का तरीका। फिर लास्ट है शूद्र, है ना। तो शूद्र क्लास का क्या होता है, कैसे संतुष्ट कर सकते हैं उसको, शूद्र क्लास का एग्जांपल दे सकते हैं कोई, या लेबर क्लास का, जैसे कि कोई रिक्शा चलाने वाले जो लेबर क्लास के लोग हैं, या फिर ऐसे ही मतलब कोई लेबर का काम कर रहे हैं, सामान ढो रहे हैं बस, लाइक ऐसा काम, मजदूर जिसको कह सकते हैं, इनको संतुष्ट करने का क्या तरीका है? हाँ, तो उनको सही बात है, उनको संतुष्ट करने के दो मुख्य तरीके हैं, उनको एक तो अच्छा अच्छा भोजन खिलाओ आप, और जो है उनको जो उचित उपहार देना जरूरी है, जितना उनका सैलरी है जो उचित उपहार देना जरूरी है, क्योंकि उनको उपहार से क्या करना है, उनको इंद्रदीप्ति करना है, फिर बाद में अपने इंद्रदीप्ति का सामान खरीदेंगे, कुछ सजावट करेंगे, घूमने फिरने जाएंगे, है ना, तो उनको ये सब चाहिए थोड़ा ना? तो इसलिए जो है वो उनको, अब शूद्र क्यों ऐसा चाहिए, क्योंकि शूद्र को लगता है ना कि इंद्रदीप्ति करने के लिए ना पैसा जरूरी, ये सब चीज़ जरूरी है ना, किसी पर डिपेंड रहना पड़ेगा, वो ये नहीं सोच सकता कभी कि मैं स्वतंत्र रूप से इंजॉय कर सकता हूँ, ये कभी नहीं सोच सकता ये। जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि करंटली कई लोग जब कंपनी में काम करने लग जाते हैं तो काम करते करते उनका ये मतलब हैबिट में आ जाता है कि जब बिना काम किए ना मेरे को नहीं मिल सकता ये सैलरी, और बिना काम किए जो है कंपनी में काम किए बिना किसी के नौकर बने हुए जो मुझे अपना घर नहीं चला सकता मैं, एकदम मन में बैठ जाता है इनके। तो फिर जो है वो क्या करते हैं, फिर वो मतलब डिपेंडेंट रहने लग जाते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, किसी ना किसी पर डिपेंड करेंगे। जो व्यक्ति ब्राह्मणिकल क्लास का होगा वो लेक्चरर बन जाएगा, बहुत बड़ा टीचर बन जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा ना, जो जिसमें थोड़ा बहुत ब्राह्मणिकल गुण होगा। जो क्षत्रिय क्लास का व्यक्ति होगा वो किसी ऐसी चीज़ में चला जाएगा, सेना में चला जाएगा, सिविल पुलिस में चला जाएगा, है ना। और जो वैश्य कम्युनिटी का व्यक्ति होगा वो अपनी इंडस्ट्री बना लेगा या अपना एक फलक से फैक्ट्री खोल लेगा और उसमें जो है प्रोडक्शन करके जो है वो अर्निंग करेगा। लेकिन जो शूद्र
जो थोड़ा बहुत भी शुद्ध मेंटेलिटी है जिनमें ज्यादा है वो क्या करेंगे, सोचेंगे नहीं नहीं ये सब नहीं कर सकते, हमें तो भाई किसी कंपनी में जॉब कर ले इतना बहुत है। लेकिन अब बताते हैं, अब इसमें जो है कई लोग जो है ऊंच नीच करना शुरू कर देते हैं, तो लेकिन एक्चुअली भगवान बताते हैं कि जो शूद्र क्लास जो जिसको हम बोलते हैं वो भगवान के चरण कमल है, और जो वैश्य क्लास है वो भगवान का स्टमक है यानी पेट उदर है, और जो क्षत्रिय क्लास है वो भगवान के दोनों हाथ है, और जो ब्राह्मणिकल क्लास है वो भगवान का श्रीमुख है। तो भगवान कहते हैं कि अगर ब्राह्मणों के मुख से कुछ निकल रहा है इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ, तो और क्षत्रिय, और क्षत्रिय क्या है, उनके दोनों हाथ है भगवान के, तो इसलिए कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है। भगवान के चरण कमल और भगवान के मुख कमल में वैसे कोई फर्क नहीं है, आध्यात्मिक स्तर पे कोई फर्क नहीं है, है ना। भौतिक दृष्टि से देखें या बाहरी दृष्टि से देखें तो अलग अलग ड्यूटीज हो सकती है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो वही बताते हैं यहाँ पे कि जो राजर्षि होते थे वो गीता के संदेश के अनुसार क्या करते थे, शासन करते थे। पर ये होने लग गया बाद में कि कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने क्या किया, ऐसा बताते हैं कि भगवद गीता कभी भी आश्री पुरुषों के लिए नहीं थी, है ना। कुछ लोग होते हैं आश्री प्रवृत्ति के होते हैं, वो क्या करते हैं गीता के संदेश का मिसयूज करते हैं। जैसे कि कई बार आपने कहीं कहीं सुना भी होगा, ऐसा बोलते हैं, बोलते हुए ना कोई मर सकता है ना कोई मार सकता है, और गला काट दिया किसी का। मतलब कोई क्रिमिनल हो वो ऐसा बोले किसी को जाके, किसी का गर्दन, किसी का गला काटे और बोले ना कोई मर सकता है और ना कोई मार सकता है। बात तो सही कह रहा है वो, ना कोई मर कर सकता है ना कोई मार सकता है। तो इसका मतलब, लेकिन यहाँ बताते इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी का गला काटते चले ना? कोई मर तो सकता नहीं है, कोई मार सकता नहीं है। जो कुछ होता है भगवान की इच्छा से होता है। मैं चोरी कर रहा हूँ भगवान की इच्छा से कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है इसमें किसी को। तो कुछ आश्रय प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, भगवद गीता का मिसयूज करते हैं, है ना। बस उसका कोई एक शब्द पकड़ लेंगे, उसका मिसयूज करेंगे अपने हिसाब से, है ना? जैसे कि क्या कहेंगे कई बार, जो मतलब जो लोग ज्यादा अछूत होते हैं उनको मंदिर में नहीं आना चाहिए, है ना। तो ऐसा फैला देते हैं कुछ कुछ, और फिर क्या करेंगे जो मंदिर पे जो है अपना एक तरह से तानाशाह क्रिएट कर देते हैं। जैसे पहले क्या हुआ था मुगलों के शासन के समय में, ये बहुत बड़ी भ्रांति हो गई थी कि एक बार क्या हुआ, एक नवाब हुसैन शाह थे ना, तो वो वहाँ के बहुत बड़े जमींदार बन गए बंगाल के। उससे पहले एक जमींदार थे सुबुद्धि रॉय, तो जो नवाब हुसैन शाह है वो बचपन में सुबुद्धि रॉय के घर पे एक सर्वेंट थे। तो उन्होंने क्या किया था एक बार कि समाओ प्यार से उनको मतलब डांटा था, तो उनके और एक छड़ी लगाई थी, तो उनके मतलब शरीर पे एक छड़ी का निशान था। तो जब नवाब हुसैन शाह वहाँ के जमींदार बन गए तो उनकी पत्नी ने एक बार निशान देखा उनके पीठ पे कि ये छड़ी का निशान कहाँ से आ गया। तो उन्होंने बताया कि नवाब हुसैन मैं जो है वो सुबुद्ध राय के घर पे जो है सर्वेंट था, तो उन्होंने एक बार मुझे सुधारने के लिए पिटाई करी थी मेरी, तो वही मुझे ये निशान है छड़ी का। तो पत्नी को गुस्सा आ गया, आपने ऐसे कैसे सह लिया इसको, अभी जाके उसका उसका आप मर्डर करके आओ, उसको अभी मार के आओ सुबुद्धि राय को, अब तो आप राजा हो गए हो। तो कहे नहीं नहीं मैं कैसे मार सकता हूँ, उन्होंने इतने प्रेम से मुझे पाला है ना, मैं कैसे उनको मार सकता हूँ। तो फिर लेकिन पत्नी ने बहुत हट किया, बोला ठीक है मार नहीं सकते चलो उनको मुसलमान बना दो। तो पहले ये बहुत ही बड़ा ट्रेडिशन था कि किसी को मुसलमान बनाना बहुत आसान था, किसी के ऊपर पानी छिड़क दो मुसलमान बन गया। कोई अगर मुस्लिम के घर में, कोई अगर मुस्लिम की कंपनी में नौकरी कर रहा है तो मुसलमान हो गया, तो ऐसे कोई भी किसी को मुसलमान बना देता था। इसलिए हम देखते हैं इतने सारे मुस्लिम कई जगह पे, इतने सारे मुस्लिम हैं इस वजह से है ना, सिर्फ वो ऐसे डर डर के कन्वर्ट हो गए, है ना, किसी ने पानी छिड़क दिया मुसलमान हो गए। और जब वो हिंदुओं के मतलब पुजारियों के पास आते थे कि हम तो मुसलमान हो गए अब हमें हिंदू बनाओ वापस कैसे बने, तो कहते अब तो कोई उपाय नहीं है, आप ऐसा करो 1 किलो गर्मा गर्म घी पी लो, है ना, और फिर तब आप हिंदू बन सकते हो। अब कोई 1 किलो गर्मा गर्म घी पिएगा तो जिंदा बचेगा वो। तो इस तरह का मनगढ़ंत चीज बता देते शास्त्रों का मिसयूज करके। और क्या मिसयूज करते थे, कई लोगों को मतलब मीट खाने का बहुत पड़ा रहता था, तो बताते थे कि शास्त्रों में लिखा है कि हम जानवरों को मार सकते हैं, सेक्रीफाइस कर सकते हैं, काट सकते हैं जानवरों को। इसका मिसयूज करके खूब सारे कत्ल खाने खोलने शुरू कर दिए, कसाई खाने खोलने शुरू कर दिए, भेड़ बकरियों को काट सकते हैं, सुअर को काट सकते हैं, काट के खा सकते हैं, किसी भी शास्त्र में वर्णन नहीं है सुअर को काटने का।
तो जानवरों को मारने का प्रथा शुरू कर दिया कहीं से शास्त्र में पढ़ के, शास्त्र का मिसयूज करके। तो वही बता रहे हैं जो आश्रय प्रवृत्ति के लोग हैं उनके लिए शास्त्र नहीं बने हुए हैं। कंस, कंस क्या करता है, पहले तो उसने देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया, उसके बाद देवकी को कहता है कि देखो जो भी होता है वो तो भगवान की इच्छा से होता है, मेरा तो इसमें कोई दोष है नहीं, तुम्हारे जो 6 पुत्र मारे गए वो भगवान की इच्छा से मारे गए, और वैसे भी हम सभी तो आत्मा है ना, आत्मा तो मरती नहीं है। तो पहले तो मार दिया उसने, और मारा किस लिए उसने, किस लिए मारा था 6 पुत्रों को, अपनी रक्षा के लिए। उससे मैं उसको ये ज्ञान याद नहीं आया कि मैं भी तो आत्मा हूं, लेकिन जब अपने ऊपर बारी आती है तब क्या धर्म याद आ रहा है उसको। वैसे ही कर्ण, कर्ण के ऊपर जब विपत्ति आ गई, जब वो सारे मंत्र भूल गया, उसका धनुष टूट गया, वो रथ से नीचे गिर गया, तब क्या होता है, अर्जुन से कहता है अर्जुन तुम अभी तीर मत चलाओ मेरे ऊपर, तुम धर्मराज युधिष्ठिर के भाई हो ना, तुम क्यों अधर्म कर रहे हो मेरे साथ ना, तुम्हें नहीं मारना चाहिए मुझे। तो फिर भगवान कृष्ण ने देखा, अच्छा अभी तुम्हें तो भगवान कृष्ण ने समझ देख लिया क्या बोल रहे हैं, अब भगवान के सामने कौन टिक सकता है। तो एक पाल के लिए अर्जुन तो रुक भी गए थे, अर्जुन ने सोचा सही कह रहे हैं धर्म, ये तो मतलब अधर्म होगा किसी निहत्ते पे, किसी घायल योद्धा पे आक्रमण करना। अभी देखो पहले युद्ध में यह सिद्धांत होता था, लोग जो है वो किसी निहत्ते पे जो है वार नहीं करते थे युद्ध में, अभी तो पीछे से आगे भी वार कर देते हैं, निहत्ता छोड़ो रात में सोते हुए सेना पे भी वार कर देते हैं। तो ऐसा था, तब कृष्ण कहते हैं उनको, कृष्ण उनको बताते हैं जब जो अभिमन्यु था 16 साल का बालक था ना, क्या वो निहत्था नहीं था, क्या वो घायल नहीं था, क्या वो असहाय नहीं था, तुमने एक नहीं 6-6 महारथियों ने, 7 महारथियों ने मिल करके मारा है उसको ना? उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था ना? जब द्रौपदी को भरी सभा में तुम लोग अपशब्द कर रहे थे तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था ना? जब पांडवों को तुम लोगों ने जो लक्षागृह में जलाने का प्रयास किया तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था। तो जो है उसको कुछ बोलते नहीं बना, कर्ण को ऐसे धर्म की दुहाई दे रहा है, अब उसको कुछ बोलते नहीं बना। और फिर अर्जुन को बोला उन्होंने अब मारो इसको। तो जो असुर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, धर्म का मिसयूज करते हैं ना, है ना। इसलिए बताते हैं जो आश्रय पुरुषों के लिए भगवत गीता नहीं है, उनको भगवत गीता से भगवत गीता का कोई लाभ नहीं मिलता है पढ़ने से। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में कुछ ऐसी चीजें वो ढूंढते हैं जिसमें ना कुछ ऐसा मिल जाए ना कि ना, जिससे कि उनका काम बन जाए बस, बाकी तो देखी जाएगी। तो इसलिए पहले क्या होता था, वेद पढ़ना हर किसी को अलाउड नहीं था, वेद पढ़ने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए होती थी, वो ब्राह्मण होना चाहिए तब वो वेद पढ़ सकता है, शूद्र को अलाउड नहीं था। क्यों? क्योंकि वो वेद पढ़ेगा तो क्या करेगा, वो ऐसी चीजें निकालेगा, जानवरों को मारना कैसे चाहिए, जानवरों को मार सकते हैं कि नहीं ना, कैसे इंद्रतृप्ति कर सकते हैं, कैसे एंजॉय कर सकते हैं बिना नियम कानून पालन किए हुए, है ना। वो बस ऐसी चीजें निकालने की कोशिश करेगा शास्त्रों से, और उसका मिसयूज करके खुद आनंद उठाएगा, लोगों को परेशान करेगा बस, है ना। इसलिए कभी शूद्रों को जो है शास्त्र पढ़ने की इजाजत नहीं थी। कंस क्या कर रहा था, शास्त्रों का ज्ञान था उसको, क्या कर रहा था, ज्ञान का मिसयूज कर रहा था। तो इसलिए क्या है, भगवद्गीता कैसे सुनना चाहिए, किसी साधु व्यक्ति से सुनना चाहिए ना? जो गुरु परंपरा में आते हैं, है ना। तो ऐसा अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है मैंने बहुत समय पहले सूर्य देवता को दिया था, लेकिन मुझे ये जो ज्ञान है अभी जो है लुप्त हो गया है ना। कैसे लुप्त हो गया, एक ऐसे भगवान ने बताया, क्योंकि भगवान ने सृष्टि की रचना इसलिए की है कि जो बद्ध जीव है वो भक्ति में का प्रैक्टिस करें, भक्ति का अभ्यास करें, और अपना कृष्ण चेतना को उजागर करके वापस भगवद्धाम चले जाएं, और यहाँ भी खुश रहें और वहाँ भी खुश रहें। लेकिन जीवात्मा ने क्या करना शुरू कर दिया, अभी द्वापर युग में भगवान ने देखा कि हर कोई जो अपनी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है, हर कोई राजा बनने का कोशिश कर रहा है ना, जब जब देखो तब युद्ध हो रहा है ना, कभी इधर युद्ध, कभी उधर युद्ध, कभी स्वयंवर के लिए युद्ध हो रहा है, तो कभी राज्य के लिए युद्ध हो रहा है, तो कभी किसी और चीज के लिए युद्ध हो रहा है। तो इतने सारे अगर युद्ध हो रहे थे तो इससे क्या होता था, जो आम जनता थी वो बिल्कुल परेशान सी हो गई थी। जैसे मान लो कि इस शहर में युद्ध ही युद्ध चलता रहे रोज के रोज, है ना, गोला बारूद चल रहे हैं, तो रहा नहीं जाएगा, किसी जिया नहीं जाएगा यहाँ पे। तो इससे ये सब देख करके ना भगवान ने कहा, अर्जुन ने को बोला कि देखो जो ज्ञान है ना भगवद्गीता का वो नष्ट हो गया है ना, सबको अपनी सत्ता की पड़ी हुई है ना, सब लोग बस अपनी सत्ता चाहते हैं, अपना राज्य चाहते हैं, कोई नहीं चाहता
कि जो है सब लोग खुश रहे, सब चाहते अपनी खुशी बस। तो इसलिए इन सारे राजाओं को जो है वो युद्ध में जो है खत्म करना पड़ेगा, कि इनका जो है मति जो है भ्रष्ट हो गया, और साथ के साथ ही गीता का ज्ञान भी देना पड़ेगा, क्योंकि आगे आने वाले लोग जो है वो कैसे समझेंगे कि क्या किया था, कि कैसे धर्म कैसे पालन करना चाहिए धर्म का। ठीक है, तो अभी देखते हैं यहाँ पे कि कुछ समय पहले क्या हुआ था कि भगवान के चले जाने के बाद उन्होंने गीता का संदेश दे दिया। काफी समय तक गीता का संदेश रहा है ना, काफी बड़े बड़े राजा हुए, अशोक, अकबर, जिन्होंने गीता का संदेश का बहुत हद तक पालन किया। जैसे अकबर भी ऐसे राजा थे कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे वो, लेकिन वो क्या करते थे, बहुत सारे ब्राह्मणों को बुला रखा था, को बिठा अपने प्रजा में, अपने दरबार में बुलाया, और सबसे रोज शास्त्रों का ज्ञान लेते थे और उसके हिसाब से जो है शासन करते थे, और शासन में किसी के ऊपर दबाव नहीं डालते थे, किसी पर धर्म परिवर्तन का दबाव नहीं डालते थे, है ना। लेकिन फ्यूचर में औरंगजेब नाम का एक शासक आया, वो कहता था अगर काफिर हो तो मार दिया जाएगा। काफिर मतलब जो मुसलमान नहीं है उसको काफिर कहते हैं, तो काफिर नहीं, काफिर हो तो मार दिया जाएगा, है ना। काफिर पे ज्यादा टैक्स लगाया जाता था। तो इस तरह के दबाव डालने वाले राजा थे, जो लोगों के जो है वो मानसिकता से, लोगों के जो भावनाओं से खिलवाड़ करते थे। और रिसेंटली, और जो कुछ समय पहले जैसे नाजी मूवमेंट हुआ, जर्मन रिवोल्यूशन हुआ, जैसे कि हिटलर नाम का एक सेनापति आया था, उसने जाने कितने लोगों को मरवा दिया, कितने लोगों को कटवा दिया। तो जब हिटलर का मूवमेंट चल रहा था तो लोगों को क्या, जो जो लोग मतलब जो लोग नॉन ज्यूज थे, जो ज्यूज थे, उन सबको गैस चैम्बर में डाल के मार दिया जाता था, भले वो छोटा बच्चा क्यों ना हो। तो उसमें से एक बच्चा बच गया था समाओ, तो अपना फ्यूचर में अपना वो बायोग्राफी में लिखता है कि मैंने देखा है कि ये जो स्कूल कॉलेज है, इसने ऐसे इंजीनियर ऐसे डॉक्टर बनाए हैं, मैंने अपने आंखों से देखा है ये इंजीनियर को गैस चैम्बर बनाते हुए, ऐसे नर्स को देखा है मैंने जो बच्चों को इंजेक्शन देके मार रहे हैं, है ना, ऐसे पुलिस वाले देखे हैं जो आम जनता को गोलियों से मार रहे हैं, है ना। अगर एजुकेशन सिस्टम का ये जो रिजल्ट है तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा एजुकेशन, है ना, जो ऐसे आतंकवादियों को जन्म दे रहा है अगर एजुकेशन, तो इस एजुकेशन का क्या महत्व है। तो उन्होंने ऐसा अपने बायोग्राफी में लिखा था, है ना। तो बेसिकली हम देखते भी हैं कि एजुकेशन सिस्टम में बेसिकली जो चीज़ें इंट्रोड्यूस्ड है वो किसी को इंसानियत सिखाने के लिए, किसी को मतलब सोसाइटी में जो है हारमोनिकली रहने के लिए, सामंजस्य से रहने के लिए नहीं सिखाया जाता है। इसमें सिर्फ समाओ बच्चों को इंगेज करके, किसी तरह से टाइम पास करके, किसी तरह से धन कमाना सीख जाए बस, अभी तो धन कमाना भी नहीं सिखाया जाता है एजुकेशन में, और खुद को कैसा इंसान बनाया जाता है वो तो बिल्कुल भी नहीं सिखाया जाता। आप देखिए हम सब क्या है, सजीव है या फिर निर्जीव है, सजीव है ना। और हम जो पूरे कोर्स करिकुलम में जो पढ़ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ निर्जीव के बारे में पढ़ते हैं, बस सिर्फ एक बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ा बहुत सजीव के बारे में पढ़ लेते हैं, अदरवाइज मैथ्स में क्या पढ़ते हैं, सिर्फ निर्जीव, अंकों के बारे में पढ़ते हैं, है ना। फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं पता नहीं, सिर्फ डेड ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, मास के बारे में पढ़ते हैं, सेंटर मास के बारे में पढ़ते हैं, सर्कल के बारे में पढ़ते हैं, क्या है ये सब, सब डेड ऑब्जेक्ट है ना। उसके बाद फिर और कोई सब्जेक्ट, SST क्या पढ़ते हैं उसमें, रीजन कैसे कैसे होते हैं ना, कहाँ पे कैसा लैंडफॉर्म है, कहाँ पे कैसा जो है एरिया है, इकोनॉमिक्स मनी के बारे में, मतलब हम तो जीवात्माएं हैं तो हमें किसी जीवात्मा के बारे में पढ़ना चाहिए ना। अब जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें हिस्ट्री भी कब की पढ़ते हैं हम, बस कुछ समय पहले की हिस्ट्री पढ़ते हैं। अगर हिस्ट्री पढ़नी है तो आप जो ऐसी हिस्ट्री पढ़ो जिसमें कुछ सिद्धांत सिखाया गया है, जैसे कि हमारा श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता। हिस्ट्री पढ़ना है तो आप ये हिस्ट्री पढ़ो। हिस्ट्री कौन सी पढ़ाई जाती है, डुप्लेक्स की, हिटलर की। अभी हिटलर के बारे में पढ़ के बच्चा क्या सीखेगा, हिटलर बनेगा फ्यूचर में जाके वो, है ना, क्योंकि अब बार बार वही पढ़ रहा है तो वही उसके दिमाग में आएगा। या तो वो नफरत करेगा सेनापति, किसी भी सेना से, है ना, क्योंकि हिटलर ने क्या किया था, पूरी सेना का यूज करके लोगों को परेशान किया था। तो अगर कोई बच्चा अगर सदाचारी बच्चा होगा तो हिटलर के बारे में ज्यादा पढ़ेगा, सोचेगा यार सारे सेना वाले ऐसे ही होते हैं, लोगों को परेशान करते हैं सिर्फ। और कोई दुराचारी बच्चा होगा तो हिटलर ही बन जाएगा वो आगे जाके। तो ऐसा ऐसा मानसिकता पर प्रभाव पड़ेगा, मतलब कोई भी उससे सही चीज नहीं, सही शिक्षा नहीं ले सकता। तो और जो पढ़ते भी हैं बायो में तो उसमें ऐसे ऐसे जीवात्माओं के बारे में पढ़ते हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते, बैक्टीरिया, है ना, दिखाई भी नहीं देता है बैक्टीरिया, है ना, देखते रहते हैं बैक्टीरिया को ना, और देख भी लिया तो क्या कर लेंगे बैक्टीरिया का,
तो इसलिए जो बच्चे हैं ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, क्या क्या ऐसे चीज पढ़ा रहे हैं, दिखता तो है नहीं, पढ़ा रहे हैं बैक्टीरिया बैक्टीरिया, पता नहीं क्या बैक्टीरिया होता है। तो इसलिए बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना, और उनको इंटरेस्ट भी नहीं आता इस चीज में, है ना। तो अगर इंटरेस्ट उनको आना सही में है तो उन्हें ऐसी चीजें पढ़ाई जाए जैसे भगवद गीता है, श्रीमद भागवत है, इसमें एक से एक कहानियां हैं, एक से एक स्टोरीज, एक से एक हिस्ट्री है, और इसमें वास्तव में जीवात्माओं के बारे में बताया गया है ना, और ऐसे राजा राजर्षियों के बारे में बताया गया है, ब्रह्मर्षियों के बारे में बताया गया है ना। ऐसे अगर आपको उनको सेनापति ही बनाना है, उनको मिलिट्री में भी भेजना है, तो उनको ऐसे ऐसे जो है लीडर्स के बारे में बताया गया है ना, जो बड़े बड़े राजा हुए हैं, बड़े बड़े नेता हुए हैं ना। तो बता रहे हैं भगवान, ये जो गुरु परंपरा जो है, भगवान कहते हैं कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है, जो वास्तव में गीता का उद्देश्य था वो नष्ट हो गया था। इसी प्रकार समय गीता इतने संस्करण उपलब्ध है, अभी इस समय जो है कई तरह की गीता उपलब्ध है मार्केट में, है ना। कई बार हम कई लोगों को गीता देने जाते हैं तो कहते हैं हमारे पास पहले से बहुत सारी गीता है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की गीता है, महात्मा गांधी की गीता है, मैकमिलन की गीता है, जाने किसकी किसकी गीता है, तो आप एक और गीता मुझे दे रहे हो। अब तो हम कहते हैं कि ये गीता यथारूप है, तो बोले अब बाकी गीता नकली कैसे है ये बताओ आप। तो हम बताते हैं उनको ये गीता गुरु परंपरा में आ रही है, कि ये जो ज्ञान है ग्रेजुअली ट्रांसफर हुआ है। तो जैसे कि इसमें गुरु परंपरा का वर्णन भी है भगवद गीता के अंदर, कि कैसे कैसे व्यासदेव से जो भगवान ने स्वयं जो है वो ब्रह्मा जी के हृदय में ये भागवतम बोला था। तो भगवान ने जब ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था तो सिर्फ चार श्लोक में दिया था, उसको बोलता है चतुर श्लोकी भागवतम। किसी को याद है क्या बोला था उन्होंने ब्रह्मा जी को, क्या बताया था? भगवदगीता में तो नहीं, भागवतम में है उसका, भगवदगीता में भी ये नवे अध्याय में कुछ 6-7 श्लोक है जिसमें उसका वर्णन है। तो लेकिन एक्चुअल में उसका भागवतम में वर्णन है। बताते हैं भगवान ब्रह्मा जी को, जो पूरी सृष्टि है इसकी रचना मैंने की है, इसका अंत होगा, इस सृष्टि के पहले भी मैं था और इसके बाद भी मैं ही रहूँगा, है ना। इस सृष्टि में जो भी होगा वो मेरे अनुसार होगा, और जो भी हो रहा है वो मेरे अनुसार होगा, और फ्यूचर में जो भी होना है वो मेरे अनुसार ही होगा, है ना। और जो भी कोई मुझे जानना चाहता है वो यहाँ तक मुझे जाने कि मैं ही जो है वो परम भगवान हूँ। तो ना ये कुछ संदेश दिया उनको ब्रह्मा जी को। फिर ब्रह्मा जी ने आगे नारद मुनि को बताया, नारद मुनि व्यासदेव को बताया, फिर आगे बुक के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, फिर देन ये ज्ञान आगे आगे धीरे धीरे ट्रांसफर होता गया। और समय समय पे जो है अलग अलग आचार्य आते रहे, और उन्होंने जो है वो वापस से जो ये जो ज्ञान की पद्धति जो लॉस्ट हो गई थी उसको वापस से निकाला। जैसे लगभग 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, जो कि राधा कृष्ण के कंबाइंड अवतार माने जाते हैं, राधा कृष्ण स्वयं राधा कृष्ण है वो। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण क्यों हुआ, देखा जा रहा था, कई भक्त ऐसा देख रहे थे कि लोग कुत्ते बिल्लियों की शादी करवा रहे हैं, इतने अमीर थे लोग उस समय, जो मुगल के शासन के समय की बात है, मुगल का शासन जस्ट आया था उस समय, तो लोग इतने अमीर थे कि कुत्ते बिल्लियों की शादियां करवाते थे, है ना। और दिन रात लोग जो है वो अपने निद्र दृप्ति में लगे रहते थे, किसी भी तरह के आध्यात्मिक विकास का कोई जरूरत नहीं समझता था। लेकिन ये तो भगवान ने सृष्टि की रचना की है किस लिए, ताकि लोग अपने आध्यात्मिक विकास करें और भगवत धाम जाएं, इसलिए थोड़ी किया है कि यहाँ पर जो है वो अपना घर बसाएं और जो है अपना जो है पूरा साम्राज्य स्थापित करें, है ना, और उसी में फंस के रह जाएं। तो अब क्या हुआ, अभी भी देखते हैं कई बार कि कई लोग जो है जो मतलब घर में जो है जब कुछ नहीं मिलता है तो कुत्ते पाल लेते हैं, बिल्ली पाल लेते हैं, उनको बड़ा प्रेम करते हैं। तो उस समय ऐसा होता था लोग कुत्ते बिल्ली को शादियां करवाते थे, तो कुछ भक्तों ने देखा तो उन्हें बड़ा मतलब बहुत बुरा अजीब लगा देख करके कि ऐसे करके तो सोसाइटी का बिल्कुल पतन हो जाएगा। तो उन्होंने ना भगवान को पुकारा ना कि भगवान प्रकट होइए, नहीं तो जो है इन लोगों का तो विनाश हो जाएगा ना। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, तो उन्होंने जो है वो इस युग के लोगों के लिए संकीर्तन यज्ञ का शुरुआत किया ना। उन्होंने बोला जो संकीर्तन है उसके माध्यम से मेरी पूजा हो सकती है इस युग में। तो इस तरह से यह ज्ञान आगे बढ़ता गया, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद कुछ समय बाद जो है यह ज्ञान वापस से लुप्त होने लग गया ना। तो फिर उनके कुछ अग्रणी शिष्य आए ना, जैसे कि जो फिर भक्ति विनोद ठाकुर आए ना, फिर भक्ति सिद्धांत महाराज आए, फिर शिला प्रभुपाद आए, इन्होंने जो है इन शिक्षाओं को वापस से निकाला है ना जो लुप्त हो गया था। तो ऐसा होता है जब हम प्रचार करते हैं ना, जब हम जो है लोगों को शिक्षा देते हैं, थोड़े समय बाद वो ज्ञान नष्ट हो जाता है अपने आप ही, क्योंकि भौतिक जगत है ना।
तो फिर क्या होता है, वापस से उसको रिजुविनेट करने के लिए वापस से ज्ञान लेना पड़ता है या वापस से रीडिंग करते हैं। तभी तो कहते हैं ना कि नित्यम भागवत सेवया, हम रोज रोज भागवतम का श्रवण करना चाहिए या पठन करना चाहिए, क्योंकि दिन भर के हम जो कार्य करते हैं उससे जो हमने भागवतम या भगवद गीता का ज्ञान अर्जित किया है, जो पढ़ा है हमने, जो रियलाइजेशन आई है, वो दिन भर के काम में लग करके वो धीरे धीरे जो है ना हमारा सिस्टम फिर से जो है डिग्रेड हो जाता है। तो उसको वापस से रीस्टैब्लिश करने के लिए, वापस से स्थापित करने के लिए क्या होता है, अगले दिन दोबारा से हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं, है ना। तो इसलिए ये सिर्फ युग योग की बात नहीं है, ये डेली का भी रूटीन है कि हर दिन जो है वो हमें भागवतम दोबारा दोबारा पढ़ना है। क्योंकि अब देखो इसमें एक प्रैक्टिकल बात भी है, हम देखते हैं हमारी बॉडी में किस चीज़ से बनी है, सेल्स से बनी है ना? और हम जानते हैं हर मिनट पर जो हमारी कई सारी सेल्स मरती है बॉडी की, जानते हैं सब लोग ऐसा, है ना। तो जैसे जैसे सेल्स हमारी मरती चली जाती हैं, जैसे मान लो हमारी मेमोरी है ना, तो मेमोरी में कई सारे सेल्स हैं, है ना। तो अगर मान लो मेमोरी के सेल्स मरती जा रही है, तो यानी जो मेमोरी हमारी है वो क्या होगी, धीरे धीरे अब सेल्स मर गई तो हम वो चीज़ हम भूल गए एक तरह से, है ना। तो जब भूल गए तो क्या होगा, वापस से उसको फिर जब सेल्स मर जाएगी काफ़ी सारी तो वापस हमें पढ़ना पड़ेगा उसको रिकॉल करने के लिए। तो इसलिए भूलना हमारी नेचुरल टेंडेंसी है, बहुत मुश्किल है याद रहना इसलिए, है ना। जब तक वो अचेतन मानसिकता में नहीं चला जाता, अचेतन मस्तिष्क में जब तक वो नहीं चला जाता, जब तक वो हमें भूल ही जाते हैं हम, क्योंकि हमारी सेल्स मरती है, है ना। आप देखो किसी हार्ड डिस्क में कोई डेटा स्टोर करके रख दो, उस हार्ड डिस्क को ऐसे ही छोड़ दो, थोड़े समय बाद वो ऐसे रखे रखे जंक लगेगा, तो उसमें कई सारे डेटा तो ऐसे ही गायब हो जाएंगे उसके, है ना। कई सारे पहले एक डिस्क आता था, सीडी सी आती थी, काफ़ी दिन रखने पे क्या होता था, वो घिस पिट जाती थी। अब उसको जब चलाया जाता था तो उसका जो डेटा था वो मतलब बिल्कुल जैसा तैसा मतलब अजीब सा नज़र आता था, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल क्लियर नज़र नहीं आता था। तो वैसे ही हमारी मेमोरी है ना, क्योंकि मेमोरी हमारी किस चीज़ से बनी है, मटेरियल एलिमेंट से बनी है ना, अर्थ फायर एयर वाटर इथर, इन्हीं चीज़ों से तो बनी है ना। तो इसलिए जो है वो चीज़ें लॉस हो जाती है। तो इसलिए लगातार जरूरी है बार बार इसका पठन करना, श्रवण करना, ठीक है। तो इसलिए ये जो भगवद गीता है श्रील प्रभुपाद ने यथारूप में दी है, क्योंकि ये ज्ञान नष्ट होता जा रहा था, तो अभी के लोगों को समझाने के लिए गीता दिया है। तो आप सबसे अनुरोध है कि इस भगवद गीता का आप भी पठन करें, इसका वितरण करें। जैसा कि आप देख रहे हैं इस मंदिर में अभी बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं भगवद गीता को, कितने लोगों ने पोस्टर्स पढ़े हैं अभी, तो आप देख रहे हैं इधर भी पोस्टर्स हैं, उधर जो है पैम्पलेट्स लगे हैं बड़े बड़े, कई लोगों ने जो गीता डिस्ट्रीब्यूट करी उनके नाम है, है ना। जय जय। तो आप लोग भी जो ऐसा कर सकते हैं, गीता का खुद पढ़िए और लोगों तक इसका वितरण करिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की।